तो दोस्तों आज अपन हमने जो क्यूटी लास्ट टाइम इंस्टॉल की थी उसका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप जब क्यूटी क्यूरेटर को लॉन्च करोगे तो वो कुछ इस तरह का पैनल शो करेगा जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स और मार्केट प्लेस में उनके जो होते हैं वो क्यूटी के प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ फ्री भी होते हैं और कुछ पेड होते हैं। यहाँ पे आप क्यूटी के ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो क्यूटी ऑफिशियल ट्यूटोरियल रिलीज करता है। यहाँ पे सम डेमो ऑल्सो इंस्टॉलेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए विजेट एप्लीकेशंस क्यूएमएल एप्लीकेशंस एंड सी प्लस प्लस नेटिव एंड ऑल्सो दे आर टू प्रोवाइड सम डिबगिंग रिलेटेड क्रिएटिंग यूआई क्रिएटिंग विजेट एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लूटूथ रिलेटेड ग्राफ चार्ट वीडियो म्यूजिक 3D एनिमेशंस एंड ऑल द रिलेटेड एंड बेसिक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट जो करंट में रन करेगा वो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है कि कितने प्रोजेक्ट आपके क्यूटी क्रिएटर में इंस्टॉलेड हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड है। ये कुछ क्यूटी की लाइब्रेरी प्री इंस्टॉलेड आती हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पे हम ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपने बना रखे वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं सेलेक्ट लोकेशन करके। ये क्यूटी क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे कुछ मेन्यूज दे रखे हैं जैसे कि ये टूल्स हो गया सी प्लस प्लस डीबगिंग के लिए। जब आप क्यूएमएल का प्रोफाइलर चलाना है तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड से रिलेटेड सारा स्टफ है यहाँ। डीबगिंग से रिलेटेड है आप जो भी डीबग करेंगे आगे चल के एप्लीकेशंस को। जब आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब आपको डीबग यूज करना होता है कि आपको पता नहीं कहाँ पे क्रैश कर रहा है कोई बग फाइंड करनी होती तो आप डीबग का यूज करते हैं। ये हमारा फाइल्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि इनमें कौन कौन से एप्लीकेशंस ऑलरेडी आर देयर। तो ये पाइथन से रिलेटेड है। मैं हालांकि सी प्लस प्लस डेवलपर हूँ तो मैं आपको क्यूटी विद सी प्लस प्लस सिखाऊंगा। मैं पाइथन नहीं आती मुझे। पाइथन आती है बट क्यूटी के साथ पाइथन नहीं आती है। तो आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यू विजेट एप्लीकेशन क्या होता है। विजेट एप्लीकेशन आता है नेटिव सी प्लस प्लस में। दे आर प्रोवाइडिंग सम लाइब्रेरी ऑलरेडी विजेट्स लाइक क्यू लेवल्स एंड क्यू टेबल्स फॉर दैट। सो ये नेटिव उनके लिए होता है जो क्यू विजेट होता है जो लो परफॉर्मेंस डिवाइस होते हैं जिनमें जीपीयू पावर नहीं होता है ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते लो मेमोरी होती है। तो उन डिवाइसेस पे हम क्यूटी विजेट एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो जो यूआई बनती है वो नेटिव सी प्लस प्लस क्यूटी की सी प्लस प्लस में बनती है। जो भी विजेट्स वगैरह लिखे जाते हैं वो सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं। दूसरा होता है क्यूटी कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन में क्या होता है बेसिकली इसमें जीयूआई नहीं होती है। ये रन करता है टर्मिनल पे और क्यूटी कंसोल पे। तीसरा है क्यूटी क्विक एप्लीकेशन। ये क्यूटी ने नया इंट्रोड्यूस किया है क्यूटी कम्पैक्ट एंड क्यूटी क्विक एप्लीकेशन। पहले जो क्यूटी 1.5 तक जो सपोर्ट था या प्रीवियस ईयर जो भी क्यूटी थी वो क्यूटी क्विक एप्लीकेशन था। क्यूटी क्विक एप्लीकेशन कम्पैक्ट नहीं था। तो क्यूटी क्विक एप्लीकेशन बेसिकली सपोर्ट करता है नए वर्जन ऑफ क्यूटी को। जो उसका फाइल स्ट्रक्चर है या सीमेक है तो उसको सपोर्ट करता है क्यूटी क्विक एप्लीकेशन। बट आप चाहते हो कि जो फॉर्मेट है क्यूटी एप्लीकेशंस का वो 5 की तरह रहे जो पहले के वर्जन की तरह था या जो मैनेजमेंट है या क्यूटी का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्यूटी वर्जन 5 पे चले तो आपके उसके लिए आप करेंगे क्यूटी कम्पैक्ट वर्जन। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके बारे में दिया हुआ है जैसे कि लिखा हुआ है क्रिएट क्यूटी एप्लीकेशन कंटेंट इफ द प्रोजेक्ट यूज द क्यूटी कम्पैक्ट वर्जन इफ यू यूज अदर बिल्ड सिस्टम एंड सीमेक एंड क्यूटी वर्जन लोअर देन 6 इफ यू आर यूजिंग द हायर देन यू गो विद द क्यूटी क्विक एप्लीकेशंस। इन प्रीवियस वर्जन ऑफ द क्यूटी देर आर ओनली द वन ऑप्शन क्यूटी क्विक एप्लीकेशंस विच इज सपोर्ट बहुत है क्यूटी 6 बेस एंड 5 बेस। सो हम क्यूटी क्विक एप्लीकेशन कम्पैक्ट के साथ जाएंगे क्योंकि हम क्यूटी का 5 वर्जन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हम सिंपल दे देंगे कि प्रोजेक्ट day 1 और ये लोकेशन है। आप लोकेशन चूज करते हैं कि डिफॉल्ट लोकेशन आप बना सकते हैं कि हमेशा डॉक्यूमेंट्स में ही जाए जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें।
तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से बिल्ड सिस्टम हो सकता है, क्यूटी ऑफिशियली 2-3 बिल्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्यूबीएस, सीमेक एंड क्यूमेक। जो ओल्डर जो क्यूटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो रिकमेंड करता है कि आप सीमेक के साथ जाएं, बट जो पुराने यूजर्स हैं क्यूटी के वो कंफर्टेबल रहते हैं जो क्यूमेक के साथ। क्यूमेक क्या है, क्यूटी का खुद का बिल्ड सिस्टम है जो वो सपोर्ट करता था, बट अब नेक्स्ट वर्जन में हायर देन 6 दे आर नॉट मेंटेनिंग द क्यूमेक, बट दे आर प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल सपोर्ट फॉर सीमेक। तो जो पुराने यूजर्स हैं या जो पुराने डेवलपर्स हैं वो क्यूमेक के साथ जाते थे, तो मैं अभी आपको क्यूमेक सिखाऊंगा, बाद में जब हम हायर क्यूटी सीखेंगे या एडवांस क्यूटी सीखेंगे तब मैं आपको सीमेक सिखाऊंगा उसके साथ साथ। तो अभी हमें क्यूमेक सेलेक्ट कर देता हूँ, क्यूमेक बिल्ड सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये पूछेगा हमसे कि कौन सा क्यूटी मिनिमम वर्जन चाहिए आपको, क्यूटी 1.5। तो हम पास बहुत सारे वर्जन हैं तो हम क्यूटी 1.5 को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर, अगर आपका एप्लीकेशन ट्रांसलेट करना है किसी अदर लैंग्वेज में चलाना है तो आप यहाँ से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अभी हाल के लिए ये ऑप्शन चूज नहीं करना चाहता, इसे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, क्यूटी सिलेक्ट करने को देता है कि कौन से वर्जन पे आप क्यूटी को रन करना चाहते हैं। तो यहाँ से वेब असेंबली पे क्यूटी के 64 वर्जन, 32 वर्जन, तो मैं अभी चूज करूंगा क्यूटी का 64 वर्जन, इसे नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आपके पास कोई सब प्रोजेक्ट है या ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है तो ये हम बाद में देखेंगे। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, गिट, अगर आपको गिट चाहिए और पुश करना चाहते हैं गिटहब पे एंड अदर बिल्ड अदर किसी भी एनवायरनमेंट पे, तो आप उससे से गिट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम फिनिश करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देगा जो ओपन होगा, जो मेन डॉट क्यूमेल फाइल है, सोर्स है, देख लेते हैं क्या क्या है। इसे जो जो क्यूमेल डॉट क्यूआरसी बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है रिसोर्स फाइल, रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम नई फाइल ऐड करते हैं या C++ की बनाएंगे, क्यूमेल की बनाएंगे, और भी फाइलें बनाएंगे, फोटो ऐड करेंगे, SVGs एंड अदर ऑल द फाइल्स लाइक कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजमेंट फाइल, तो QRC को जब हम ओपन करके देखेंगे तो उसमें कुछ आपको दिखेगा कि जब हम ओपन विथ करते हैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर में, तो प्लेन टेक्स्ट एडिटर में ये इस तरह से हमें रिसोर्स मैनेजमेंट दिखाता है। जब हम कोई नई फाइल को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ही एक फाइल आ जाएगी, मैन डॉट क्यूमेल एंड अदर फाइल नेम। सो लाइक इस तरह से ये क्या करेगा, कॉपी करके वहाँ फाइल नेम चेंज कर देगा यहाँ पे बस ओनली। तो ये क्यूमेल की रिसोर्सेज फाइल है जो क्या करती है, मैनेजमेंट करती है, जब कंपाइल होता है तो ये उसको साथ में कंपाइल करेगी। यहाँ C++ का मैन डॉट सीपीपी खोल लेते हैं, तो यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये कुछ DPI रिलेटेड है एप्लीकेशन, हाई डॉट पर इंच आपको हाई रेजोल्यूशन की UI चाहिए तो उसके लिए आप इसे इनेबल कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होता है। क्यूटी GUI एप्लीकेशन हो गया, तो ये प्रोवाइड करता है बेसिकली द GUI फंक्शनैलिटी, और क्यूटी क्यूमेल इंजन है, इंजन बेसिकली द क्यूमेल इंजन है जो क्या करता है, क्यूमेल के सोर्स कोड को, जो क्यूमेल है जावा स्क्रिप्ट एंड क्यूमेल लैंग्वेज है, उसके कोड को जो मोक फाइल में कन्वर्ट करेगा, बेसिकली नेटिव C++ में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर C++ इट विल कन्वर्ट, देन इट विल रन द एप्लीकेशन। सो ये क्या करता है, इंजन कन्वर्ट करता है क्यूमेल फाइल के सोर्स कोड को C++ में और क्यूटी के मोक फाइल, बेसिकली इट विल जनरेट द मोक फाइल्स। तो ये कनेक्ट है, ये सिग्नल स्लॉट है, आगे चल के हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है सिग्नल स्लॉट। ये यहाँ पे हमने क्या किया, इंजन को लोड कर दिया, और ये जो हमने URL ली है अपनी, जो QML फाइल ली है, यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट फाइल को लोड करा सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लोकेशन देना है, तो आप लोकेशन देके कोई भी QML फाइल को यहाँ से लोड करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बाई डिफॉल्ट ये प्री लोडेड रहता है जब आप प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट होता रहता है। उसके बाद तो हम देख लेते हैं रन करके ये किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंपाइलर चलता है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही तो यहाँ पे कंपाइल का आता है, यहाँ पे आउटपुट आता है, हम डीबग कर सकते हैं कोई भी प्रिंट आउट लगा के। ये हमारा सर्च होता है ग्लोबली, अगर हमें कुछ सर्च करना है तो ये ऑल द फाइल में हमें क्या करेगा, सर्च करके दे देगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फाइल को और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्यूटी का जो एप्लीकेशन हमने रन किया है वो कैसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है,
सोर्स फाइल रहती है, रिसोर्स फाइल रहती है। ये क्यूटी के क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं। जैसे कि आप अभी क्यूटी क्विक देख रहे हैं, उसके बाद आपको अगर एसवीजी के साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एसवीजी इमेज यूज करनी है, उनकी कस्टमाइज करना है, तो आप एसवीजी यूज करेंगे। उसके बाद अगर नेटवर्क से रिलेटेड, ब्लूटूथ से रिलेटेड आप जो भी स्टफ कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्लूटूथ या नेटवर्क लाइब्रेरी यूज करेंगे यहाँ पे क्यूटी की। उसके बाद अगर आप विजिट से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो आप विजिट को ऐड करोगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं, हम आगे चल के देखेंगे। क्यूटी का कोर होता है जो नेटिव सी प्लस प्लस में या क्यूटी की सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, तो हम कोर की एपीआई को कैसे यूज करेंगे वो आगे चल के हम देखेंगे। ये अपने ये ऑलरेडी एडेड होता है, जब भी हम कोई नई फाइल ऐड करेंगे तो ये रिसोर्स फाइल को हमने ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। हम अपनी खुद की नई रिसोर्स फाइल भी बना सकते हैं और उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, जब अब लार्ज प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपनी रिसोर्सेस फाइल बनाते हैं मेंटेन करने के लिए। लाइक इमेजेस के लिए डिफरेंट क्रिएट कर ली, क्यूएमएल फाइल्स के लिए डिफरेंट क्रिएट कर ली, अदर रिसोर्सेस के लिए डिफरेंट, और बेस उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ रिसोर्स में ऐड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने आप मैनेज हो जाएंगी। जब हम कोई भी नई सी प्लस प्लस क्लास क्रिएट करेंगे या नई सी प्लस प्लस फाइल या हेडर फाइल, यहाँ पे जैसे सोर्सेस आ रहा है वैसे ही यहाँ पे आ जाता है हेडर्स। अगर डॉट एच फाइल ऐड करेंगे, एच पी पी फाइल ऐड करेंगे, तो वो यहाँ ऐड हो जाएंगी, और सोर्स फाइल जितनी भी सी प्लस प्लस फाइलें होंगी वो इसके साथ ऐड हो जाएंगी। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे ये क्यूटी वर्क करता है। तो फिलहाल के लिए जो हमने ये रन किया है इसको देख लेते हैं। तो जब आप रन करेंगे तो ये क्यूएमएल फाइल है, ये रन हो जाएगी। ये क्या करेगी, विंडो क्रिएट करेगी, उसकी हाइट दे देगी, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी बेस्ट, और विजिबल ट्रू होनी चाहिए, विजिबल फॉल्स नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज ट्रू रखना है। और टाइटल के हमें जो विंडो दिखती है यहाँ पे, जैसे कि ये दिख रहा है ना यहाँ पे मैन डॉट क्यूएमएल, तो ये टाइटल क्या होना चाहिए। तो जैसे ही हम रन करेंगे इसको, तो ये हमारा बन के आ जाएगा हेलो विंडो। और ये हमारा जो जो ये टॉप ऑफ द बार रहता है, ये विंडो का रहता है, विंडो या लिनक्स या ये नेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बट जो मेन यूआई रहती है वो इतना पार्ट रहता है। ये हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, हम खाली यहाँ का आइकन चेंज कर सकते हैं, हेलो विंडो चेंज कर सकते हैं, बट ये बटन को हाइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कस्टमाइज, लाइक वी कैन नॉट राइट ओन कलर्स ऑन दैट। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चल के हम सीखेंगे कि कैसे सिग्नल स्लॉट है, कैसे सी प्लस प्लस से इंटीग्रेट करेंगे यूआई को, और सबसे पहले कैसे यूआई के कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे, कैसे बटन यूज करेंगे, क्या क्या थीम्स होती हैं, कैसे थीम्स पर वर्क किया जाता है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्यूटी को और ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। तो वन बाई वन सेशन हम वीडियो पब्लिश करेंगे, तो आप देखते जाइएगा। थैंक यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।